सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वरेगंढ मौके समागम। सर्जिकल स्ट्राइक की दूसरी वरेगंढ मौके फौज वालों जलंधर विखे वख-वख थावां ते विशेष समागम करवाए गए। 29 सितंबर तक 2 दिन तक चलन वाले इन्हां समागमों विच हर उम्र वर्ग के लोगों वालों विशेष दिलचस्पी दिखाई गई, जिन्हां ने कि हथियारों समेत होर सैनिक उपकरणों नाल सैल्फियां भी लईयां। केंद्रीय सूचना मंत्रालय के अधीन आउंदे आउटरीच ब्यूरो वालों फौज के सहयोग नाल करवाए गए इन्हां समागमों दौरान जिथे हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई, उत्थे ही सर्जिकल स्ट्राइक संबंधी प्रोजैक्शन डॉक्यूमेंट्री भी दिखाई गई और वख-वख तरह के रोमांचक खेड मुकाबले करवाए गए। इस मौके दर्शकों लिए वख्खरे तौर पर सैल्फी पॉइंट भी बनाए गए, जिथे नौजवानों ते बच्चों ने वख-वख हथियारों अते सैनिक उपकरणों नाल सैल्फियां लईयां। इस मौके कर्नल NS गंडास ने कहा कि फौज वालों भविख विच भी इहो जिहे समागम आयोजित हुंदे रहणगे। जलंधर तो अजीत वैब टीवी लई चिराग शर्मा की रिपोर्ट। इंडियन आर्मी की ग्लोरी और करेज के बारे में अपने इंडियन सिटीजन्स को बनाने के लिए डिस्प्ले किया गया है, जिसके अंदर इंडियन आर्मी ने अपने जितने भी हथियार यूज होते हैं, जैसे कि ये आपकी लाइट मशीन गन, मल्टी ग्रेनेड लॉन्चर्स, मीडियम मशीन गन्स और स्नाइपर राइफल, लाइट मशीन गन्स, ये पूरा सिविल पब्लिक को दिखाने के लिए डिस्प्ले किया है। और ये पब्लिक के अंदर अवेयरनेस करने के लिए है कि इंडियन आर्मी के लिए इट इज़ नेशन ऑलवेज एंड एवरी टाइम दैट कम्स। ये अपने जो उसी के दूसरी वर्षगांठ के लिए किया गया है, लेकिन ये जो सिविल पब्लिक है उसके अंदर इंडियन आर्मी की जो आपकी ग्लोरी और करेज है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए किया गया। ये समय समय पर इंडियन आर्मी के बारे में बताने के लिए ऐसी चीज़ें की जाएंगी।